हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अनुजा मुझे हंसा रही है, ये इतने रीटेक ले लिए, बीच में हर बार मेरी वीडियो ख़राब करने आ रही है। बाकी जो आज व्लॉग की मैं जो स्टार्टिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ रात के 10:45 से, क्योंकि और ये मैं डालने वाली हूँ और क्योंकि मैं लगा रही थी मेहंदी आप लोगों को, जैसे पता है कि करवा चौथ है, वो है संडे को, और शायद ये व्लॉग भी करवा चौथ वाले दिन ही मैं अपलोड करूँगी। और अगर आज आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, जितनी भी लेडीज़ है सभी को। बाकी ऐसा है, बाकी मेरा कुछ ऐसा प्लान था, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड में तो मैंने मेहंदी लगा लिया, राइट हैंड में खुद से नहीं लगा पाती। अगर मैं लगा भी दूंगी तो जो उसमें मतलब सफाई ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगी, तो मैंने सोचा है कल मैं स्पेशल मेहंदी लगवाने जाऊंगी। फर्स्ट टाइम मैंने आज तक किसी से नहीं लगवाई, बस शादी वाले दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे को मेहंदी लगाई थी, बाकी नहीं। तो बाकी हम कल जाएंगे मॉल या संजौली कहीं भी अगर मेहंदी वाला मिल जाता है। बाकी देखो फास्ट तो मेरा होता नहीं, मैंने रखा ही नहीं है स्टार्टिंग से, तो मैं आगे भी नहीं रखने वाली फास्ट। पर ऐसा मैं कोई मेहंदी मेरे को पहले से काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब स्कूल टाइम से मैं मेहंदी लगाती हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को पता है कि मुझे मेहंदी कितनी पसंद है। मतलब ऐसा होता था स्कूल में कि मेरे हाथ कभी खाली नहीं होते थे, हमेशा मेहंदी लगी रहती थी। और अभी थोड़ा एकाक्ष की वजह से मेरे को मेहंदी लगाने का टाइम नहीं लगता। आज मैंने कैसे कैसे करके सारा काम मैंने अनुजा को दिया, मैं कहूँ तो अनुजा सारा काम करेगी, चुपाती वगैरह सब्जी मैंने बना ली थी दिन में, बस वैसे वैसे करके मैंने मेहंदी लगा ली। अगर बाकी आप बताना कि मैंने कैसी लगाई है मेहंदी, बाहर से कुछ इस तरह से और अंदर से कुछ इस तरह से है। बाकी अब कल सुबह मिलते हैं और कल मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसी मेहंदी लगवाई है, और देखूंगी कैसा कैसा रेट है। मैंने कभी नहीं लगाई बाहर, तो बाकी कल ही पता चलेगा। और बाकी मिलते हैं सुबह। प्रातःकाल सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे और बस मैं अभी नहा के फ्रेश हुई हूँ, बाकी लोग सोए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी बहना पर दिख तो नहीं रही है, मैं नाम जिसको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे फिर बाद में डांट पड़ने वाली है। और अभी मैंने कपड़े भी धो डाले, और क्या हुआ मेरी मेहंदी का जो एक्स्ट्रा कलर था वो निकल गया, पता नहीं इसमें कलर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसके लिए विक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी विक्स अप्लाई करते हैं तो उससे मतलब मेहंदी काफ़ी ज़्यादा डार्क लगती है। वैसे तो मैंने रात को भी लगा दी थी, मतलब जब मेहंदी सूख गई थी उसके ऊपर से, पर मैं फिर से एक बार और अप्लाई करती हूँ। जैसे हम क्रीम लगाते हैं, कुछ बाम वगैरह अप्लाई करते हैं, वैसे करके हम इसे अप्लाई करेंगे, बस कलर आ जाए, मेरी मेहनत उसमें ना चले जाएगी, इसमें पानी में। इसको लगा लेते हैं मैंने, बाकी लगाएंगे आज हम बाहर ही मेहंदी। विक्स को अच्छी तरह से लगा दो अपने हाथों में, देखेंगे ज़रा कलर आएगा कि नहीं आएगा। ये तो सुबह के टाइम जब मैं मेहंदी निकाल रही थी ना, सूखी हुई मेहंदी, तो अच्छा कलर दिख रहा था। अभी कपड़े धोए मैंने, तो कपड़े धोने के बाद थोड़ा सा लाइट लाइट हो गए, पर ऐसे कि नेक्स्ट डे तो होता ही, फिर धीरे धीरे इसका कलर मतलब डार्क होता रहता है। तो कुछ इस तरह की लगी है मेरी मेहंदी। उठ जाओ जरा, ये तो नहीं उठने वाले। बाकी मैं आपको थोड़ा बाहर दिखाती हूँ, बस धूप लगती है मस्त वाली, और मैंने कपड़े भी धुला लिए काच के भी थे। और यस, यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स लगा लिए हैं, कुछ यहाँ पे उस बीच वाले में हमने धनिया लगाया हुआ है, और एक वहाँ पे लगाया हुआ है हमने। होप ये फूल अच्छे से लग जाए। टिक तो गए वैसे, जो घर से लाए थे मैंने, बुआ के घर से भी लाए थे हम, बुआ के घर आपने ब्लॉग देखा होगा। और अब धीरे धीरे ना सबकी गुड मॉर्निंग हो रही है ना। मोटू, मोटू भी उठ गई है ये मतलब ऐसे ड्रामे करने ही करने हैं ना। और जैसे ही कोई फंक्शन वगैरह आता है, और हमारे घर में इतने बड़े बड़े से पिंपल हो गए ना मेरे यार। और ये पता क्यों हुआ? क्योंकि हम कुछ टाइम से इतना मीठा खा रहे हैं, शायद मीठे की वजह से पिंपल, मतलब जिसको बोलते ना ख़तरनाक वाली क्रेविंग हो रही है मीठे के लिए। इतना मीठा खा चुके हम, कोई महीने से खा रहे हैं, ये भी मेरे साथ और मैं भी, और इसके भी हमें पिंपल हो गए गाल में, और मेरे भी, और मेरे लिप्स के ऊपर भी हो गया। और होता है ऐसा, जब भी कोई इवेंट आने वाला हो, शादी आने वाली हो, तब भी जाके हमारा फेस ख़राब होता है। हम सोचते हैं तब के लिए हमने सुंदर सुंदर बनना है, कौन सा इवेंट पर कबाड़ा हो जाता है, जैसे करवा चौथ। मोटू मेरे लिए तो चल, मैंने तो कौन सा फास्ट रखना है, पर फिर भी। A few moments later. तो अभी हम हैं जीजू की कार वॉशिंग में, अब दीदी और जीजू भी हमारे साथ आएंगे, दीदी को भी मेहंदी लगवानी है। बाकी यहाँ बैठे जीजू एंड मोरू,
स्पाइस गंदा होता है बेटी पूरा कूड़ा कूड़ा नहीं आपस अपने हस्बैंड की और बहन की नहीं नहीं आपकी भी बहन की तो छींके लगी हुई है वो लो जो जरूरी है कहाँ है हनी मोटू क्या हो गया ओए अम्मी क्यों बना रही मामा चलो चलो कहाँ जाना बेटू घूमी कहाँ ले जाओगे आप हमें माल रोड ये गया नहीं ना शायद साक्षी गंजू पटेल खोपड़ी में तेल चलो हम लेट हो रहे हैं आ जाओ बेटा हो गया यहाँ देखो स्टीविंग आप यहाँ भी होता है यहाँ पे बैठो है ठंड तो आएंगे दीदी ठंड लगी सो हमने गाड़ी पार्क कर दी और हम आज ऊपर से आए जाखू वाले रोड से क्योंकि आज वीकेंड है तो पता नहीं पार्किंग में हमें जगह मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी फिर हम इधर से ही आए अब यहाँ से हम वॉकिंग जाएंगे और यहाँ से ऐसा कि छाया भी है बेस्ट ही है फिर हमारे लिए एकाक्ष के लिए भी भागो 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 आगे दीदी मेरे आगे निकल चलो 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 क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं मोटू आप वापस जाओ लगे हैं ना तो हम कुछ को बोल रहे हैं कि प्ले और थोड़े इधर को शिफ्ट कर दें थोड़े तुम कब जा रहे हो कल जा रहे हो मालू दीदी बोल रहे हैं पूजा तू भी बैठ जा वहां पे मेहंदी लगाने क्योंकि पीछे बहुत क्राउड है सी वहाँ कितनी लेडीज है दिखाइयो पर भी तेरा कलर नहीं आया ना यार तो मेरे को कपड़े तेरे को ही देने चाहिए धोने को अच्छा हाँ अब शायद हर फेस्टिवल में मैं यही करती रहूँ है ना लग जाएगा नंबर पता नहीं तो सब बारी बारी से मेहंदी लगा रही है यहाँ पे तो गाइस बहुत ज़्यादा आ रहा है ये लोग मेरी कमाई के पीछे पड़ गए मैं भी बैठ जाऊँ मेहंदी लगाने इस साइड को ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज हमारी बारी आने वाली है पर मेहंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगा रहे हैं लोग इतना रश यार कब आएगी हमारी बारी मुझे तो डर ही लग रहा है कि हमें ऐसे ही वापस ना जाना पड़े दीदी लगानी है आपने तो मैं सैड फेस के साथ वापस जा रही हूँ क्योंकि रश इतना ज्यादा है मुझसे आगे भी दो तीन और है उनको भी फुल हैंड में मेहंदी लगानी है तो हम सोच रहे कि चले ही जाते हैं अनुजा से लगवाऊंगी या फिर अगर संजौली साइड देखते हैं कहीं मिल जाए कोई कि फटाफट लगाए और हो जाए काम मूड ऑफ हो गया मेरा थोड़ा सा क्योंकि मैं बड़े मन से आई थी कि मेरे को मेहंदी लगानी पर इतना वेट कौन करेगा हम तो 4-5 बजे फ्री होने इस हिसाब से और साथ में अपना एकाक्ष पुत्र जी है और देख सकते हो मॉल पर कितना रश है काफ़ी ज़्यादा वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने आए ऊपर से फिर करवा चौथ का भी थोड़ा क्राउड है ज़्यादा तो आज आपको औरतें दिखने को मिलेगी और सभी के हाथों में मेहंदी भी है आज की फर्स्ट मॉर्निंग
अब ये ठीक हो गया, इससे चलते हैं। यहाँ पे सब इनकी गाड़ी वगैरह आएगी, उसका भी डर नहीं है। और आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है। और ये हाथ पकड़ने भी नहीं दे रहा, देखते हैं गिरा ना, और स्पीड में भाग रहा है ना ये। आगे देखते चलते हैं। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा साफ है। बाकी वो लोग गए हैं मार्केट को, जी जीजू दीदी मोटू वगैरह कि तब तक फ्री हो जाए तो मेहंदी लगवा ली, पर मेरे को बारी नहीं आई। उनको बोल रही थी कि मेरा एक ही हाथ है, मैं तो आप मुझे लगाने दोगे? बोले हम बच्चे घर में छोड़ के आए हुए हैं, वैसा वैसा बोला उन्होंने। मैं कहा ठीक है जी, मैं फिर शाम को ही लगवा दूँगी, क्योंकि यहाँ मिल जाते हैं मेहंदी वाले, तो उनके पास लगवा दूँगी। यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पे लिफ्ट बन रही है नीचे लक्कड़ बाज़ार से यहाँ के लिए। ये वाली साइड पूरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अंदर गेटी में कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है अंदर। एक अजीब रास्ता, हमें अपना टाइम याद आ गया है। स्टेशन में हम यहाँ पे खड़े होते थे वेलकम करने के लिए, कितनी जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है। सबसे अभी अभी की तो जस्ट बात थी। हाँ ये भी है। हाँ पर अगर घूमने घूमने के उससे आए तो घूमने के लिए तो बढ़िया है, ये भी मज़े से रहेगा, सोना होगा सो जाएगा उसमें। चले जाओ, कुछ चलने अपने कक्ष कुछ चलने कहीं भी कहा तो बताओ। आपका तो हो गया ना सारा काम? हमारा कुछ भी था काम तो। चलो फिर कहाँ जाना है? खाते पहले कुछ चॉपस्टिक चलते हैं ना। कहाँ चॉपस्टिक? यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर क्या इसमें? चलो फिर चॉपस्टिक में तो भाई फुल है मामला सारा, और इसको तो भाई छोड़ ही नहीं सकता, ऐसे भाग रहा पकड़ने भी नहीं दे रहा। अब हम ढूंढ रहे हैं एक जगह, क्या बोल रहे हो? जल्दी से डिसाइड करो ना। उधर चलते हैंग आउट हाइड आउट, क्या है वहाँ पे? वो है यहाँ पे आगे जाके है, वो शादी में आए थे भैया उनका। आज 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 कम 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 पकड़ो 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 पकड़ो, चलो 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 एक आक्ष। ये खुद चल सकता है मॉल रोड पे, पर ये डायरेक्शन बदल देता है। तो हम चले अब कहाँ जा रहे हैं? और तू इसमें मत बनाई, तुम मैं रिच भी हूँ। अब हम जा रहे हैं ब्रू स्टेट, क्योंकि चॉपस्टिक तो फुल भरा हुआ था। अब ब्रू स्टेट जाते हैं। जी अपने पास ना, यहाँ पे पहले रेट्स थिएटर हुआ करता था, नज़दीक भी था सबके लिए, पता नहीं क्यों बंद कर दिया इन्होंने। अब थिएटर भी जाना हो तो SBT पहुँचना पड़ता है। तो ब्रू स्टेट हाय
दीदी ने भेजना ही नहीं है आपको। वो कहाँ चले गए? मैं उसको खाना दे देती हूँ फिर। हमारा बच्चा गायब हो चुका है कहीं। ये क्या बना है? सारा ही मिर्च तो स्पाइसी हो गया, सब कुछ मिर्ची मिर्च छाती हो गई। अपने ही काम कर रही है दीदी, आप उल्टे काम करोगे यार। जीजू बोल रहे थे भूत क्यों बनी है आज, मैं सच में भूत लग रही हूँ। क्यों? बाल फैले हुए उल्टे। इसने चप्पा चप्पा छान मार दिया अभी का। एक ही शूज में लाइट चल रही है इसके, दूसरा खराब है। सेल होते इसमें खत्म की खराब हो गया। एकाक्ष कम ये स्टेज पे चल पड़ा है डांस करने। इसको पता है म्यूजिक बजे। तो फाइनली हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं। अब हम सोच रहे कि वापस ही चले जाते। पहले मैं सोच रही थी कि पर हम टक्का बेंच में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है वहाँ का। पर इन लोगों के भी ट्यूशन है, मतलब बच्चे आने वाले हैं दीदी और मोटू के, तो हम जल्दी निकलेंगे। अब संजौली में देखते हैं, फिर संजौली में टाइम लगा बाकी। हमें भी लो। धूप बहुत तेज है। धूप तो तेज है, जो पीछे भी नहीं रुक रही। नहीं वाइट भी है। वाइट तो है। तो बाहर तो ब्लैक है। अरे यार हम कब भी जाएंगे, रोप वे से जाएंगे हम। जाकू है ना, यहाँ से 20 रुपए की टैक्सी आती है। ओ सच्ची? नहीं तो मैं भी एक्सपीरियंस करेंगे भाई। एक्सपीरियंस थोड़ी देख, 20 रुपए की टैक्सी यार। यस yes. कश्मीर जाके लो, लंबे रोप वे में इस वजह से के लिए जाना। देखो छोटे से शुरू करना पड़ता है। हाँ हाँ जी। तो यहाँ है आपका रोप वे, बाहर देख सकते हो कितने प्यारे से स्टैचू बनाए हुए पहाड़ी नाटी करते हुए। और यहाँ से जाएगा चाकू के लिए रोप वे आपका। उस पर कोई तरस खा लो, दे दे दे। मजे आए भी तू घूम के, घूमी घूमी आ जाओ, आ जाओ पापा। चलो पापा चलो आ जाओ। यहाँ पे चला है फोटोशूट। चश्मे पहन लेती हूँ, आज आप गंदे लगने चाहिए। आप गंदे लगने थे। ओह माय गॉड, बहुत सारी फोटोज ले ली अब हमने। वो आपको मेरी इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो व्हाट्सएप पे है। बाकी अब चलते हैं, लेट हो गया काफ़ी। हमने संजौली में भी थोड़ी देर रुकना है, थोड़ा बस सामान ले लेते हैं। बैंगल्स वगैरह तो ले ले, कुछ तो ले ले, थोड़ा करवा चौथ का फील तो आना चाहिए, बेशक हम फास्ट रखें या ना रखें। साक्षी होगी आपकी डूमी डूमी। यहाँ लगी अपनी धनो आज मॉल के थोड़े नजर रोप वे के साथ ही है, जहाँ से रोप वे जाते हैं। कैसे रहा दीदी आज का दिन? बहुत अच्छा। मेरे लिए थोड़ा अच्छा थोड़ा गंदा, क्योंकि मेहंदी नहीं लगा पाई। मेन मैं जिसके लिए आई थी है ना मोटू।
मैं भी मेहंदी की एक्साइटमेंट में आई थी पर लगाई रश ही बहुत था। हाँ आउटिंग होगी वो सही है, होनी चाहिए थोड़ी बहुत आउटिंग। तो गाइस हम पहुंच जाते हैं संजौली और संजौली में तो हमें कुछ काम, हमें तो क्या दीदी को काम था क्योंकि दीदी ने मिष्टू के लिए लेना था लंच बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स क्योंकि अब मिष्टू जाने वाली है स्कूल के लिए, तो यहाँ पे बस हम वही सब चीज़ें देख रहे थे। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम बैंगल्स वगैरह ले लें, पर हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि हम बस एक एक बैंगल लेंगे लाइक जैसे चूड़े में होता है जो बीच में, पर हमें सिंगल ओम में नहीं मिल रहा था क्योंकि पूरे सेट में मिल रहा था। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छे से मतलब जो दुकानें वगैरह है कितनी अच्छे से सजी हुई चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ थी, पर हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद हम पीएल पैलेस पहुँच जाते हैं, आप देख सकते हो पीएल पैलेस किस तरह से पूरा भरा पड़ा है, अंदर जाने की जगह नहीं इसीलिए हम बाहर से चूड़ियाँ देख रहे हैं। पता नहीं हमें कोई पसंद आएगा कि नहीं आएगा। फाइनली हम कैसे कैसे करके अंदर चले गए और उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे चूड़ियाँ। मुझे ग्रीन वाली पसंद आई थी पर उसमें साइज नहीं था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। 2000 years later बाकी मैंने अनुजा को दे दिया है सारा काम बर्तन धोने का क्योंकि पता नहीं क्यों मेहंदी का कलर नहीं आया, या तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने सुबह कपड़े धोए उस वजह से जो है थोड़ा कल गया था कुछ इस तरह की लगी मेहंदी। बाकी अभी देखते हैं अनुजा शायद मेरे हाथों में मेहंदी लगाए। और आज का मतलब दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बस मेहंदी ने थोड़ा मेरे को भी थोड़ा सा सैड कर लिया था लिटिल बिट क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक से गई थी कि पहली बार मेहंदी लगाऊंगी। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा हमने इंजॉय किया, खाया पिया एंड उसके बाद हम घर आए। घर आके बस इतना था कि लाइट नहीं थी, काम बहुत करने को था और बिना लाइट के फ़ोन भी ऑफ हो गए थे सबके तो सब बोर हो रहे थे। फिर जस्ट अभी लाइट आई, खाना खाया, डिनर कर दिया सबने, बस हम सोने वाले हैं क्योंकि हम थक काफ़ी ज़्यादा गए हैं। और बाकी आपको अगर आज का जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रही हूँ यार, इतना तो मैंने कभी व्लॉग में बोला ही नहीं। सो अगर आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।